दोस्तों आज फिर से एक नई टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो बताते चले कि सारा इंडिया कंपनी के पास काफ़ी लोगों का बकाया राशि है। लोग ऐसे में परेशान हो रहे हैं कि उनके जो भी अमाउंट हैं उनको वापस मिलेंगे कि भी नहीं मिलेंगे। तो वहीं सारा इंडिया ने गरीब लोगों ने अपने पैसे मैच्योरिटी होने पे भी खर्च किए थे, लेकिन उनको हमेशा डर ये सता रहा है कि उनके पैसे का क्या होगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो समयावधि थी वो पूरी हो चुकी है और उनके पेमेंट वापस नहीं मिले हैं। तो काफ़ी लोगों ने पहले से शिकायत की थी कि सारा इंडिया द्वारा जो भी बकाया भुगतान है वो नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब उसके लिए एक अच्छी खबर है कि जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे सुनील कुमार मोदी जी ने, उन्होंने कहा है कि लोगों का जो भी बकाया अमाउंट है, मतलब जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है, तो वो यदि वो कंपनी भुगतान में आनाकानी करती है तो परेशान लोग आवेदन दें, उन आवेदनों पर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक हफ्ते में सारा के निदेशकों की बैठक बुलाकर उन सभी समस्या पर बात की जाएगी। तो उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी जी ने बिहार विधान परिषद में केदारनाथ पांडे के तारंकी प्रश्न का जवाब देते हुए ये बात कही है, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैच्योरिटी के अमाउंट अभी भी हमारे पास नहीं आए हैं, तो हम अभी मैचों को पेमेंट वापस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे लोग जिनका पेमेंट वापस कंपनी नहीं कर रही है, तो वो अपने लोग वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सुनील कुमार मोदी ने आम जनता से अपील की है कि सारा इंडिया यदि मैच्योरिटी राशि का भुगतान नहीं कर रही है तो पीड़ित को आवेदन मिलने पर सरकार उनकी मदद करेगी और उनकी हर संभव सहायता करेगी ताकि उनका पेमेंट उनको वापस मिल जाए। इसके लिए कानून में व्यापक प्रावधान है। यदि सारा किसी तरह से दोषी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ भी आर्थिक अपराध इकाई में उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि सारा इंडिया कंपनी की संपत्ति तब तक नीलाम की जा सकती है जब तक कि उससे मिलने वाला पैसा वैसे पीड़ितों को दिया जाए जिनका बकाया राशि कंपनी के पास है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की किसी को भी अगर कोई समस्या है, जिनको अगर पेमेंट अपना नहीं मिल पा रहा है, अगर उनको लगता है कि वो कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, तो अपना आवेदन सरकार के पास भेजें और अगर वो सारी चीज़ें सही होती हैं तो उनके जो भी बकाया भुगतान है वो उनको वापस मिलेंगे। ये सरकार दिलाने का अपना वचन दे रही है। तो अब ये भी देखना है कि सरकार इसमें किस तरीके से कितना अमाउंट लोगों को दिलवा पाएगी और लोग इसमें कितनी शिकायत वहाँ पे करवाएंगे। तो दोस्तों